years ago, thousands of years ago, there was a great battle, a huge battle on the fields of Kurukshetra. The Kauravas were powerful, extremely well organized, and arrogant. They had money and numbers on their side. They fought a small army led by the Pandavas. The Kauravas were drunk with power and believed they were the greatest. The Pandavas were humble. They didn't speak much. They spoke softly. There were five brothers who had recently lost everything. But unlike the Kauravas, they fought for the truth. Like the Kauravas, the BJP and the RSS are designed to fight for power. Like the Pandavas, the Congress is designed to fight for the truth. The people of this country will accept a lying BJP leadership drunk with power, because they know that is what the BJP is designed for. They will accept a man accused of murder as the president of the BJP. But the people will never, never accept the same in the Congress party. Because they understand deeply, gehrai se samajhte hain, ki ye jo Congress party ka sangathan hai, ये सच्चाई का संगठन है। नमस्कार साथियों, अभी अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने अपनी तकरीर समाप्त की है। उन्होंने अभी एक लंबा भाषण दिया है जो कि कांग्रेस के प्लेनरी सेशन की समाप्ति पे वो अपनी बात रख रहे थे, और उसमें उन्होंने तीन या चार ऐसी बातें कही हैं जो सरासर गलत है, जो सरासर झूठ है, और इस झूठ का पर्दाफाश करना बड़ा ही जरूरी है। पहले तो राहुल गांधी जी का ये कहना है कि वो एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं पार्टी में जिससे कि कार्यकर्ताओं के बीच और लीडरों के बीच में जो दीवार है वो गिर जाए और कार्यकर्ताओं को अपनी असली ताकत से उनको अपना श्रेय मिल सके, उनको जगह मिल सके, उनको टिकट मिल सके। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, जब वो 2007 में जनरल सेक्रेटरी उनकी माताश्री ने उनको बनाया, जब उनको 2013 में उनकी माताश्री ने उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने ऐसा क्या योगदान दिया था पार्टी को जिससे कि उनकी माताश्री ने, जो कि तब कांग्रेस की अध्यक्षा थी, उन्होंने उनको सिलेक्ट किया इस पोजीशन पर। जब राहुल जी खुद राजनीति में आए 2004 में तो उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और फिर भी उनको कुछ महीनों में ही मई 2004 के जो चुनाव थे उसमें कंटेस्ट करने के लिए अमेठी का टिकट दिया गया। जो व्यक्ति खुद ही पैराशूट करके पॉलिटिक्स में इसलिए आया है क्योंकि उसके पास एक सरनेम है जिसकी नॉन परफॉर्मेंस के बावजूद भी उसको न केवल जनरल सेक्रेटरी, फिर वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट के बाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक
उनकी माताश्री ने उनको बनाया है ताजपोशी करके और रिग्ड इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा। जब वो ऐसी बात करते हैं कि वो पार्टी के दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए खोल देंगे, तो मुझे बड़ा विचित्र लगता है। क्योंकि आप उदाहरण के तौर पे देखिए, राहुल गांधी के इर्द गिर्द कौन है? एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पे चल रही है, राजीव सातव, उनके माताश्री पॉलिटिक्स में थे, मिलिंद देवरा, उनके भी फादर पॉलिटिक्स में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पेरेंट्स पॉलिटिक्स में थे, आप उनके साथ और जो बाकी के तमाम नेता है, सचिन पायलट, उनके पिताजी पॉलिटिक्स में थे, आरपीएन सिंह, उनके पार्टी में उनके फादर भी पॉलिटिक्स में थे, रणदीप सुरजेवाला, उनके फादर भी पॉलिटिक्स में थे। तो ऐसे लोगों की एक टोली लेकर, जो उनके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो टोली में, वो सभी लोग डायनेस्ट है, वो सभी लोग किसी के बेटे हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, और ऐसे लोगों को लेकर राहुल जी कांग्रेस पार्टी के दरवाजे उन आम कार्यकर्ताओं के लिए खोलेंगे। मेरे जैसे आम कार्यकर्ता के लिए उनके पास 6 साल वक्त नहीं था। जब मैंने इंटरनल इलेक्शन की बात की तो मेरी आवाज को दबा दिया गया, और आज भी मेरी आवाज को दबाया जाता है, और राहुल जी कहते हैं कि मैं कार्यकर्ताओं की बात सुनूंगा। तो राहुल जी, मैं आज भी आपकी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरी बातों को सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से डायनेस्टी का हमारी पार्टी पे कब्जा जम चुका है, किस तरीके से आपके आने के बाद 14 सालों में कांग्रेस पार्टी और डायनेस्टिक हो चुकी है और कबीले वाली पार्टी बन चुकी है, एक फ्यूडल पार्टी बन चुकी है। तो मेरी आवाज को भी सुनिए, उसको बुलंद कीजिए, तोड़िए इस दीवार को जो आप में और मेरे बीच में है, और बुलाइए मुझे और मुझसे बात कीजिए कि क्यों जब आप 12, 13, 15 इलेक्शन हारते हो तब भी आपको जनरल सेक्रेटरी से वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बनाया जाता है आपकी माताश्री द्वारा, और जो कार्यकर्ता 10 साल 15 साल लगाता है उसको इतना सा भी मौका नहीं मिलता कि वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कोई पद संभाले, कोई भार संभाले और पार्टी को आगे ले जाए। और आप ये दावा करते हैं कि आने वाले दिनों में आप इस दीवार को गिराएंगे। अरे आप खुद वो दीवार है जो कार्यकर्ताओं के बीच और कांग्रेस पार्टी के बीच में आपने खड़ी कर रखी है। आप खुद वो परिवारवाद की दीवार है जिसकी वजह से जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी वो आज राहुल गांधी की कांग्रेस बन चुकी है, जिसमें आवाज कार्यकर्ताओं की नहीं, जनता की नहीं, बल्कि एक परिवार की ही सुनी जाती है। आप वो दीवार है जिसकी वजह से जो पार्टी एक समय पर परिवार हुआ करती थी, आज वो परिवार एक पार्टी में तब्दील हो चुका है। आप वो दीवार है। तो आप जब ये बात करते हैं कार्यकर्ताओं के विषय में, तो उस बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। आपने एक दूसरी बात की, आपने कहा कि जब किसान मर रहे हैं, किसानों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, किसानों को अपना समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा, किसान जो है वो हर तरीके से पीड़ित है, किसान जो है हर तरीके से उसको नुकसान हो रहा है, तब नरेंद्र मोदी जी लोगों को कहते हैं योगा कीजिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये आपका सवाल उठाना भी बहुत जायज है, पर मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जब 10 साल 15 साल आपकी और आपकी माता जी की सरकार महाराष्ट्र में थी और केंद्र में थी, दोनों जगह आपकी सरकार थी, तो लाखों किसानों ने आत्महत्या की, लाखों किसानों ने, ये मैं नहीं कह रहा, ये पी साईनाथ के आंकड़े हैं, लाखों किसानों ने आत्महत्या की। और 2006 में मूल जो समर्थन मूल्य की बात है कि 50% उसमें जुड़कर मिलना चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, ये रिकमेंडेशन अक्टूबर 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में आ चुकी थी। आप कौन सा मौन आसन कर रहे थे, आप कौन सा योगासन कर रहे थे जिसके चलते 2006 से लेकर 2014 तक केंद्र में सरकार होने के बावजूद आपने उस सुझाव को नहीं माना? आप कौन सा योगासन कर रहे थे जिसकी वजह से हमारे लाखों किसान भाई महाराष्ट्र से लेकर केंद्र तक उनको शवासन करना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी? आप हमको ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री योगा करने कहते हैं
करने के लिए कहते हैं और आप उस पर सवाल उठाते हो, पर आप मुझे बताइए कि आपने कौन सा आसन धारण किया था जब हमारे लाखों किसान मर रहे थे और हमारे हजारों किसानों का नुकसान हो रहा था, जबकि उनको स्वामीनाथन कमीशन ने कह दिया था 2006 में कि एमएसपी में 50% जुड़कर मिलना चाहिए। तो आप मुझे ये भी बताइए, इस सवाल का जवाब भी आप मुझे देने का कष्ट कीजिए। राहुल जी, आपने एक और सवाल उठाया, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी, ये तीनों मोदी है और मोदी नाम में ही कोई गड़बड़ है, मोदी नाम में ही खोट है। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता कि आपका जो सरनेम गांधी है वो कहां से आता है। कई लोगों को ये लगता है कि महात्मा गांधी से आपने ये सरनेम लिया है, पर सबको हकीकत पता है कि आपका जो सरनेम गांधी आता है वो फिरोज गांधी की तरफ से आता है। हालांकि ये भ्रम जो फैलाया जाता है महात्मा गांधी का और आपके परिवार के रिश्ते होने का, उसको आप कभी ठुकराते नहीं है। आप तो फिरोज गांधी के वहां पे उनके दिन पर भी नहीं जाते, एनिवर्सरी पर भी नहीं जाते और वहां पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी नहीं जाते, ताकि लोगों को ये पता ना चल जाए कि आपका सरनेम गांधी वहां से आता है, ना कि महात्मा गांधी की तरफ से। पर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, जहां तक नीरव मोदी का सवाल, जहां तक मेहुल चौकसी का सवाल है, जहां तक उन लोगों का सवाल है जिन्होंने इस देश के आम इंसान के करोड़ों लाखों लोगों के करोड़ों रुपयों को बैंकों से चुरा कर वो भागे हैं, उनके विषय में मुझे बताइए कि सितंबर 2013 में क्या आप नीरव मोदी के बुलाने पर एक प्राइवेट कॉकटेल पार्टी में सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनकर इंपीरियल होटल दिल्ली में नहीं पहुंचे थे सितंबर 2013 में? और उसी वक्त सितंबर 2013 में दिनेश दुबे नाम के एक विसल ब्लोअर ने अलाहाबाद बैंक से कहा था कि जो लोन मेहुल चौकसी को दिए जा रहे हैं, गीतांजलि को दिए जा रहे हैं, वो गलत है, उसको नहीं दिया जाना चाहिए, उसको तत्कालीन वहां से हटा दिया गया। उसी समय पर LIC, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस की, वो गीतांजलि मतलब मेहुल चौकसी मतलब नीरव मोदी के मामा की कंपनी में पैसा निवेश कर रहे थे, जबकि इनकी कंपनी पर सेबी और NSE का बैन लगा हुआ था। क्या ये सच बात नहीं है कि 2015 में नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ था कर्नाटक की पुलिस के लिए और कर्नाटक की सरकार के लिए, कर्नाटक की कोर्ट में, कि मेहुल चौकसी को जाकर पकड़ के लाइए, ये लोगों को ठग रहा है, आपकी सरकार कर्नाटक में थी, आपने इसको लागू नहीं किया? क्या ये सच नहीं है कि 2016 में कर्नाटक की सरकार ने खड़े होकर कोर्ट में कहा कि आपको जानकारी थी कि मेहुल चौकसी पैसे गबन कर रहा है, आपको जानकारी थी कि वो फ्रॉडसर है, आपको जानकारी थी कि वो देश छोड़ के भाग सकता है, आपको जानकारी थी कि इसकी जांच CBI ED द्वारा होनी चाहिए, आपको जानकारी थी कि ये तमाम लोग बैंकों का पैसा लेकर भागने की फिराक में है, फिर भी आपकी कर्नाटक की सरकार ने एक भी बार CBI और ED को एक पत्र नहीं लिखा या केंद्र की सरकार को सूचित नहीं किया? क्या ये सच नहीं है कि 2012-13 में जतिन मेहता, जिसने देश में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का स्कैम किया हुआ है, विंसम डायमंड का स्कैम, जिसमें 7,000 करोड़ से अधिक पैसा बैंकों से चुराया गया है, उसकी जतिन मेहता को भारत के पासपोर्ट होते हुए सेंट किट्स का पासपोर्ट मिला 2012 में, और भारत की सरकार की तरफ से उसे भारत के पासपोर्ट और सेंट किट्स के पासपोर्ट, दोनों ही पासपोर्ट पे बाहर जाने का अवसर दिया गया और अंदर देश में आने का अवसर बार बार दिया गया। ये जानकारी भारत सरकार के पास होते हुए भी कि इनके पास 2 पासपोर्ट है, उनको पकड़ा नहीं गया, उनकी रूट खसूट को रोका नहीं गया, और उनके लोन किस दमे पर सैंक्शन हुए थे? जतिन मेहता के तमाम लोन जब सैंक्शन हुए थे वो वर्ष देख लीजिए, और आप देख लीजिए कि पहली शिकायत जब CVC ने की, जब बैंकों ने की, तो CBI और CVC ने कब वो शिकायत की? 2013 के अंत में की, 2014 के शुरुआत में की। आपने जतिन मेहता को पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई की? आप मुझे बताइए कि आपने तो फारूक टकला नाम के एक आतंकवादी को भी आपने 24 घंटों के अंदर पासपोर्ट रिन्यू करके 2011 में दे दिया। राहुल गांधी जी, आप जब ये सवाल उठाते हैं किसानों के मुद्दों पर, जब आप सवाल उठाते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, जब आप सवाल उठाते हैं कि मैं आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा दूंगा और कार्यकर्ताओं की आवाज को सुनने का प्रयास करूंगा, तो आपसे सवाल पूछा जाता है। राहुल गांधी जी, आप एक शहजादे हैं,
जब इस शहजाद ने शहजादे के खिलाफ बगावत की और पूछा कि क्यों आपको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए जबकि आप में कोई काबिलियत नहीं है इस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए, जब आप किसी भी डेमोक्रेटिक तरीके से आप आगे नहीं आ रहे हो, जबकि आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, तो क्या आपने मेरी बात को सुनने का प्रयास किया? और आज आप ये बात दोहरा रहे हैं। इस बात को आपने 2007 में भी कहा, इस बात को आपने 2013 में भी कहा। 14 साल से आप इस पार्टी का नेतृत्व किसी न किसी रूप से कर रहे हैं और कई सालों से आपका परिवार इस पार्टी पर काबिज है, सत्ता की पोजीशन पर काबिज है, हुकूमत कर रहा है इस पार्टी पर। पर आपने कितना बदलाव लाया? सोनिया जी ने कितना बदलाव लाया? 200 वर्ष हो गए हैं इस पार्टी का नेतृत्व करते हुए आपके परिवार को। जो पार्टी एक वक्त पर महात्मा गांधी की पार्टी थी और वो दौर ऐसा था कि मौलाना आजाद भी उस पार्टी में महात्मा गांधी के खिलाफ, बाकी के बड़े नेताओं के खिलाफ, सरदार पटेल के खिलाफ चुनाव लड़के वो